एक हीरा व्यापारी था जो हीरे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था, किंतु किसी गंभीर बीमारी के चलते अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे वह अपनी पत्नी और बेटा छोड़ गया। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ये पत्थर तुम्हारे लिए छोड़ गए थे, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ, परंतु ध्यान रहे कि तुम्हें केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। युवक पत्थर लेकर निकला। सबसे पहले एक सब्जी बेचने वाली मिली। युवक ने पूछा, अम्मा तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकती हो? सब्जी वाली ने बोला, देना ही है तो दो गाजर के बदले ये पत्थर मुझे दे दो, ये पत्थर मेरे तोलने के काम आएगा। युवक आगे बढ़ गया। इस बार वो एक दुकानदार के पास गया और उससे पत्थर की कीमत जाननी चाही। दुकानदार बोला, इसके बदले मैं अधिक से अधिक 500 रुपये दे सकता हूँ, देना है तो दो वरना आगे बढ़ जाओ। युवक इस बार एक सुनार के पास गया। सुनार ने उस पत्थर के बदले 20,000 रुपये देने की बात की। आगे बढ़ते बढ़ते फिर वह युवक हीरे की एक प्रतिष्ठित दुकान पर पहुंचा। वहां उसे पत्थर के बदले व्यापारी ने 1,00,000 रुपये देने का प्रस्ताव दिया। फिर अंत में वह युवक शहर के सबसे बड़े हीरा विशेषज्ञ के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान कृपया इस पत्थर की कीमत बताने का कष्ट करें। विशेषज्ञ ने ध्यान से पत्थर को देखा और उसका निरीक्षण किया, फिर आश्चर्य से युवक की तरफ देखते हुए बोला, यह तो एक अमूल्य हीरा है, करोड़ों रुपए देकर भी ऐसा हीरा मिलना मुश्किल है। दोस्तों, यदि हम गहराई से सोचें तो हीरे के पत्थर की तरह हमारा जीवन भी बहुत मूल्यवान है। यह अलग बात है कि हम में से बहुत से लोग इसकी कीमत नहीं जानते और सब्जी बेचने वाली अम्मा की तरह इसे मामूली समझकर तुच्छ कामों में लगा देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इस मूल्यवान जीवन को समझने की सद्बुद्धि दे और हम हीरे के विशेषज्ञ की तरह इस जीवन का मूल्य समझ सकें। मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी।